मेरा नाम शुभांकर प्रत्युष फाटक है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में मैंने 11वीं रैंक प्राप्त की है। ये मेरा पहला प्रयास था। इस वीडियो में मैं आपसे अपनी बुक लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की 2020 जून में, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2021 जून में होना था, तो मेरे पास केवल एक साल का समय था, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं फॉलो किए। मैंने जो कुछ बेसिक बुक्स फॉलो किए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। और मैंने ऑनलाइन कोचिंग की थी राउज़ आईएएस में, तो उनकी जो मटेरियल है उसको मैंने, जो क्लास नोट्स हैं उनको इन मटेरियल्स के साथ रेफ़र किया था, ऐड किया था। इससे ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। वो रिसोर्सेज मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सर की किताब है, हर कोई पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की किताब है। एंशियंट इंडिया में आर्य शर्मा सर की एनसीईआरटी है, पुरानी वाली। और आप अगर देखें हाल फिलहाल में 6th, 7th, 8th और 12th की जो एनसीईआरटी है नई वाली हिस्ट्री की, उसमें से डायरेक्ट सवाल आए हैं, तो ये एनसीईआरटीज मैंने की थी। फिर ज्योग्राफी के लिए मैंने 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की थी। बायोटेक का कुछ पोर्शन 12वीं की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसके लास्ट के कुछ 4-5 चैप्टर हैं जिसमें एनवायरनमेंट का भी थोड़ा सा पार्ट, वो मैंने किया था। और जैसे सब एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब्जेक्ट्स से मैंने कोई किताब नहीं ली थी। इनके लिए मैं जो राउज़ आईएएस का मटेरियल था और जो क्लास नोट्स थे मेरे, जो फोकस और कॉम्पस मैगजीन थे, मैं इन पे ही रिलाई करता था। प्रीलिम्स की मेरी मोटा मोटी यही बुक लिस्ट थी। इंटरप्शन के लिए माफ़ चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को आगे ले जाऊँ। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। आप में से बहुत से एस्पिरेंट जो कि सोच रहे थे किसी कोचिंग के साथ में जुड़ना, सोच रहे थे किसी मेंटर के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को और ज़्यादा शानदार बनाना, तो अभी एक आपके पास में अच्छा टाइम है। आप अभी अनअकैडमी के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को और ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। अभी अनअकैडमी के सभी कोर्सेज के ऊपर आपको करीब 23% का ऑफ मिल जाएगा न्यू ईयर के सेल के ऊपर। तो 2023 आ चुका है, आप न्यू रिजोल्यूशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छी कोचिंग के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को और ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। जो कोर्स आप पहले 1 ईयर के लिए लेने वाले थे करीब 56,000 में, 58,000 में, वो आपको करीब 44,000 में मिल जाएगा। सो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। आप में से बहुत से एस्पिरेंट कहते रहते हैं कि फीस काफ़ी ज़्यादा आई है, तो आप अगर इन ऑफर के दौरान लेते हैं तो आपको अच्छा खासा ऑफर देखने को मिल जाता है। साथ में इनके जो न्यू बैचेज है वो भी स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि 5 जनवरी से इनका बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश साथ में रहेगी, जहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी जैसे कि मुर्दाल सर, सुदर्शन गुज्जर सर जैसे बेहतरीन टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। साथ में आप अगर सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो इनका आरएम बैच शुरू होने वाला है, उसके साथ में भी आप जुड़ सकते हैं। दोनों बैच आपको, जो इंग्लिश का जो बैच है वो आपको करीब 5 जनवरी से देखने को मिलेगा, जो हिंदी मीडियम का बैच है वो करीब आपको 12 जनवरी से देखने को मिलेगा। सो एक अच्छा टाइम है, जिस समय आप इनका कोई भी कोर्स ज्वाइन करें उस समय अगर आप हमारा कोड aspirant10 यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, आपको करीब 23% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो है ना एक गुड न्यूज, जब भी आप इनका कोई बैच ज्वाइन करें उस समय आप हमारा कोड aspirant10 डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा और ऑफर का फायदा उठाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी मेंशन मिल जाएगी, जाइए और विजिट कीजिए और वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी मेंस की बुक लिस्ट। तो GS1 में अगेन मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम ही काफ़ी है, बस आपका पढ़ने का तरीका चेंज होना चाहिए। एनालिसिस एस्पेक्ट पे आपको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना है। ज्योग्राफी में सेम एनसीईआरटी और नोट्स, और अगर आप देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो ज़्यादा पूछी जाती है, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियोज़ देखे थे। आप PMF IAS या राजस्थानी मैम के वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने यही देखे थे, इससे ज़्यादा मैंने कुछ फॉलो नहीं किया। सोसाइटी में 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको करनी है अच्छे से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट टॉपिक्स इनमें से आते हैं, हालांकि वो एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, बट आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। और लेकिन वो जैसे मैंने कहा सफिशिएंट नहीं है, हर एक जो टॉपिक है जैसे अर्बनाइजेशन है, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, इस पर आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के। यहीं पे मैं बताना चाहूँगा जो एड सारथी प्लेटफॉर्म है वरुण जैन सर का, उनके रेडीमेड नोट्स थे जो कि बहुत क्रिस्प और लूसिड थे, उनको ही मैंने अपने सोसाइटी के लिए ऐड किया, और यही मेरा बेस था 11th 12th की एनसीईआरटी, अपने कुछ थोड़े से नोट्स और वरुण जैन सर के जो उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए थे। आर्ट एंड कल्चर में मैंने जैसे प्रीलिम्स मैंने कोई किताब नहीं फॉलो की थी, मैंने अपने क्लास नोट्स ही पढ़े थे, बट मेंस के लिए मैंने नितिन सिखानिया सर की जो किताब है वो ले ली थी। बिकॉज अगर आप 2020 का पेपर देखें तो 50 नंबर आर्ट एंड कल्चर से आ गया था, तो मैंने नितिन सिखानिया सर की बुक से कुछ बहुत स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ से किए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखें GS1 में, इनसे सवाल बहुत कम आते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये मैंने खाली क्लास नोट्स रखे थे, इनमें मैंने कोई किताबें एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। अब हम GS2 में आते हैं।
GS2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की किताब अगेन वही पढ़ी मैंने। उसमें लोग यूजुअली मेंस के लिए पढ़ते नहीं हैं, बट अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी सारे रिकमेंडेशन है पुंची कमीशन के, सरकारिया कमीशन के, NCRWC के, और इंडिविजुअल चैप्टर्स में भी, तो वो मैंने यूज़ किए थे। गवर्नेंस में मैंने क्या किए थे, हर एक टॉपिक के नोट्स बना लिए थे, जैसे एजुकेशन, वीमेन, हेल्थ, इन चीज़ों के, और एक नीति आयोग की इंडिया एट 75 स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया एट 75, एक 2018 की पब्लिकेशन है, वो आप ज़रूर पढ़ें। उसमें बहुत क्रिस्प तरीके से एकदम मेंस ओरिएंटेड टाइप का दिया हुआ है, बैकग्राउंड दिया हुआ है, इशूज़ दिए हुए, तो वो आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एक इंटरनेशनल रिलेशन आता है GS2 में, ये मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, तो इसके लिए अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ लेंगे और अगर एक बैकग्राउंड आपको पता होगा इश्यूज़ के, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके लिए मैंने मोस्टली राउ जायस का जो कॉम्पस मैगजीन है और जो QIP क्लासेस में हमको पढ़ाया जाता था क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में, वो जस्ट मेंस के पहले होता था, वो नोट्स के साथ मैंने इसको ऐड किए थे बस। GS3 अगर हम देखें तो अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो 250 में से एक करीब 120 नंबर इकोनॉमी आती है, जिसमें 50 से 60 नंबर एग्रीकल्चर का आता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ सॉल्व करना, और मैंने अगेन क्लास नोट्स जो QIP थे, जो इनकी कॉम्पस मैगजीन थी राव साइज की, मैंने वही फॉलो किया, मैंने और सोर्सेज फॉलो नहीं की। बाकी का अगर आप पार्ट देखें एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहते हैं, तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, कोई किताबें नहीं पढ़नी है, जो करंट अफेयर्स में डोमिनेटिंग चीज़ें हैं वो आपको रिवाइज करके जानी है। फिर इसमें आती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये एकदम स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, इन पे आप हर टॉपिक पे एक एक पेज के नोट्स बनाएं, जैसे टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, नक्सलिज्म का डेवलपमेंट के साथ इशू है जो कॉन्ट्रास्ट है, और अगेन डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कि क्या तरीके हैं, NDRF का क्या रोल है, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, ये सब चीज़ें आप इनमें बस नोट्स बना लीजिए और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, और जैसे आता है उसको वैसे ही रेप्लिकेट कर दीजिए, क्योंकि एकदम स्टैटिक सवाल बनते हैं सेम, जैसे हर साल बनते हैं, तो उसमें कुछ आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। GS4 के लिए मैंने अगेन HRT के नोट्स यूज़ किए थे, मुझे कोई बहुत अच्छी किताब तक तब मिली नहीं थी, मैंने कोई किताब से नहीं पढ़ी है। हालांकि मेंस के बाद जब मैं GS4 के लिए वापस पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने DK बालाजी सर की जो किताब है वो मैंने देखी, वो काफ़ी अच्छी किताब है, उससे आप अपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। बट मैंने पर्सनली राव जायस का जो कॉम्पस है एथिक्स का, और जो HRT ने मुझे डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए थे, मैं वही रिवाइज करके गया था एथिक्स के लिए। ऐसे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी इवैल्यूएशन करवाइए, चाहे वो आप किसी से भी करवाए, टीचर्स हो गए, दोस्त हो गए, मैं इनफैक्ट अपने छोटे भाई से भी करवाता था, जो इस जिसका इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, ताकि आपको लोगों का पर्सपेक्टिव पता चले आप ऐसे लिख कैसे रहें। आप मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखने की कोशिश करिए, फिलोसफिकल एसेज पे आप फोकस रखिए, और उनको थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करिए, उस पे आप तभी कमांड कर पाएंगे। एंड कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वीमेन इश्यूज़, इन पे आप ज़रूर एक एक ऐसे लिखिए, क्योंकि ये आपको GS2 में बहुत हेल्प करेंगे। इस बार अगर आप देखें तो एजुकेशन में अर्न वाइल यू लर्न स्कीम पे सवाल आया था, क्योंकि मैंने वोकेशनल एजुकेशन पे ऐसे लिखा था तो मेरे लिए इजी था। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर पे सवाल आया था, अगेन मैंने हेल्थ पे ऐसे लिखी थी तो मेरे लिए इजी हो गया था। विमेन एम्पावरमेंट पे इस बार GS2 में सवाल आई थी, तो मैंने वापस उस पर विमेन पे ऐसे लिखा था, तो वो चीज़ें मैं डायरेक्टली यूज़ कर पाया, क्योंकि ऐसे में आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली लिखते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी होते हैं, डेटा भी लिखना होता है, तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। तो कुछ इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स से आप ऐसे ज़रूर लिखें, और फिलोसफिकल ऐसे पे भी ध्यान रखें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इवैल्यूएशन करवाना, और खुद से भी सेल्फ इवैल्यूएट करें, एंड कुछ टॉपर्स के आप ऐसे भी पढ़िए, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली लिखना कैसे होता है। GS में तो मेरी मोस्टली यही बुक लिस्ट थी, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था, तो मैंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज पढ़े, मैंने उनको बार बार पढ़ा, एम्फेसिस आंसर राइटिंग पे रखा, और ये कि जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसको मैं कैसे एग्जाम मतलब आंसर में यूज़ कर पाऊँ, ना कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ और मुझे समझ ही ना आए कि मैं लिख क्या पाऊँ। मुझे बहुत कम नॉलेज थी, बहुत कम चीज़ें मैंने पढ़ी थी, और मैंने उसी नॉलेज को हर क्वेश्चन में फिट करने की कोशिश की। ये स्किल ऑफ आंसर राइटिंग आपको सीखनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, यही मेरी बुक लिस्ट थी, एंड आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा हो वीडियो। आई होप आप एग्ज़ाम अच्छे से दें, आपके अच्छे नंबर आए, एंड आपको जो आपकी प्रेफरेंस सर्विस है वो आपको मिले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।